तकिए के नीचे इन सात में से कोई भी एक चीज रखकर सो जाएं। इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता रानी की कृपा से जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। सभी रोगों को भी नाश होता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में मौजूद कुछ साधारण सी चीजों में इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है कि यदि इन चीजों को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो इसके आपको इतने अधिक शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये चीजें आपके जीवन की कई परेशानियों का अंत भी करने में समर्थ होती है। मोर पंख पर इत्र लगा करके घर के उत्तर दिशा में रखने से ध्यान से सुनना, उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है, जो उत्तर दिशा होता है ये देवी और देवताओं की दिशा होता है। तो मोर के पंख घर के उत्तर दिशा में लगाने से घर के कितने भी बड़ा वास्तु दोष घर में क्यों ना लगा हो, वास्तु दोष मिट जाते हैं एवं घर में सुख शांति एवं संपन्नता लाता है। घर में सुख शांति का वास होता है। उत्तर दिशा में मोर का पंख लगाने से घर में अगर आपकी कमजोर वास्तु है उसे ठीक करने का काम करते हैं। और अधिकतर हमने देखे हैं बहुत से लोगों के घर में निर्धनता इस वजह से आती है क्योंकि जिस घर में वास्तु दोष कमजोर हो वहां पे कलह एवं क्लेश आने लगते हैं। वहां पे रहने वाले लोग आपस में झगड़ने लगते हैं और जिस घर में कलह हो, क्लेश हो, लोग आपस में झगड़े हो, ऐसे घर में कभी भी फिर लक्ष्मी वास नहीं करती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये उपाय जरूर करना। चलिए मैं एक उपाय और बताता हूं। तो इस दिन की उत्तर की ओर सिर करके सोने वाले व्यक्ति के पास धन कभी नहीं आता है, उसका संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। लेकिन दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। स्त्रियों को रात को सोते समय अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बालों को हमेशा ही बांधकर सोना चाहिए। बाल बांधकर सोने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। बाल खुले रखकर सोने वाली स्त्री के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और हमेशा धन से जुड़ी समस्या बनी रहती है। अरे, शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में लगातार असफलता मिलना या शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ते रहना, इन सभी के प्रमुख कारण घर में मौजूद वास्तु दोष और कुंडली दोष हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र में कुछ सामान्य से उपाय करने से हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। मात्र आप अगर सोते समय तकिए के नीचे शास्त्रों में बताई गई किसी भी एक चीज को रखकर सोते हैं तो आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। इतना ही नहीं, जीवन में कभी भी अशुभ घटना आपके साथ नहीं होगी। साथ ही जीवन का प्रत्येक दिन आपके लिए एक नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। आइए जानते हैं सोते समय हमें अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र कहता है अगर आपको लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तब आपको रात को सोते समय तकिए के नीचे सोने या चांदी का सिक्का रखकर सोना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि सोने या चाहते हैं कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए और यदि हो तो उन्हें इस तरह से बांधकर रखना चाहिए कि वे जमीन को स्पर्श ना करें। स्त्रियों के बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं। बाल जमीन पर टकराने से जमीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा बालों के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करती है जिसके नकारात्मक परिणाम भोगने पड़ते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को अपने बाल कभी गंदे नहीं रखने चाहिए, इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती है। साथ ही स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, इससे स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि बाल स्वच्छ रहने पर सिर में खुजली नहीं होती है और सिर में हमेशा खुजली करते रहना शास्त्रों में अशुभ फलदायी माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है जो स्त्री अपने बालों को खुजलाते हुए पूजा पाठ करती है उसकी पूजा विफल हो जाती है। स्त्रियों को दोनों हाथों से जोर जोर से अपने बाल खुजलाते हुए गुरुजनों तथा बड़े बुजुर्गों से बातें नहीं करनी चाहिए। बालों को सुलझाते समय जो बालों का गुच्छा निकलता है उसे अच्छे से फेंके। उसे यहाँ वहां फेंकने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है क्योंकि तंत्र मंत्र साधना और जादू टोने में हमेशा लंबे बालों का उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल है उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने बालों को संभाल कर रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के 3 दिनों तक स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, साथ ही अपने बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सोते समय अपने तकिए के नीचे आवश्यकता के अनुसार इन चीजों को रख सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।